कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नियम होता है, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। तो इन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के लास्ट में शब्द आते हैं। जैसे कि रहा आएगा लास्ट में, ही बताते हैं सेंटेंस। तथा कार्य के लगातार होने का पता चलता है, साथ में ये भी पता चलता है कि काम लगातार चल रहा है। जैसे कि राम सुबह से खाना खा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई काम चल रहा है। कब से चल रहा है? सुबह से चल रहा है। दूसरा, जैसे दूसरा ले लेते हैं, राम दोपहर से पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है दोपहर से। तो यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस जो है वो दोपहर से कार्यरत है, कोई काम दोपहर से कार्यरत है, लगातार चल रहा है। तो इस तरीके से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रूल आपको पुराना याद हो, आपने देखी हो जैसे हमारी वीडियोस, तो उसमें है रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आती है तो उसमें आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर है, तो अब इसे आगे लगा देते हैं सिंस या फॉर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, चलिए अब देखेंगे इसे पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। पॉजिटिव, तो उसके पॉजिटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन प्लस। इसके बाद में आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अच्छा जो कंटीन्यूअस टेंस रहते हैं उसमें हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। अच्छा, यहाँ पे कई चीजें हैं, अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि हैज का इस्तेमाल जो हैज बीन का इस्तेमाल, हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं, और आपके हैव बीन का प्रयोग आई यू और प्लूरल के साथ करते हैं। अब यहां पे आपने दो चीजें और नहीं देखी हैं, वो है सिंस या फॉर। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। तो सिंस का इस्तेमाल जो करते हैं हम, वो करते हैं निश्चित समय के लिए, और फॉर का इस्तेमाल करते हैं अनिश्चित समय के लिए। देखिए अब पहले तो देखिए यहां पे इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। सेंस या फॉर कभी कभी ऑब्जेक्ट से पहले भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद में हैज बीन का इस्तेमाल हम सिंगुलर सेंटेंस के साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और हैव बीन का इस्तेमाल आई यू और प्लूरल के साथ करते हैं। बात आती है सेंस का इस्तेमाल हम निश्चित समय के लिए करते हैं, और फॉर का इस्तेमाल अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे कि निश्चित समय कौन सा, जैसे कि निश्चित समय है देखिए आपका आज, कल, बीती हुई कल, सुबह, दोपहर, शाम। जैसे कि कोई टाइम दे रखा हो सन 1945, या जैसे हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था, तो इस तरह से हमारी क्या है कि कहीं पे कोई सन दे रखी हो, या आपकी कोई ईयर दे रखी हो कि किस ईयर में ये हुआ, आपकी कोई ईयर दे रखी हो, या आपका सुबह, दोपहर, शाम, रात दिया हो, या आजकल दिया हो, तो ये आते हैं आपके निश्चित समय के अंदर, तो उनके लिए हम लगाते हैं सिंस। अब बात आती है आप ये कहेंगे कि अनिश्चित समय कौन से हुए, अनिश्चित समय है जैसे कि मैं 2 घंटे से सो रहा हूं, तो यहाँ पे कोई पता नहीं कौन से 2 घंटे। जैसे कि हम 10 साल से हैदराबाद में रह रहे हैं, तो 10 साल का कोई टाइम नहीं है, कौन से 10 साल। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि मैं 10 साल से हैदराबाद में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, और बोल दिया जाए कि मैं सन 2008 से हैदराबाद में रह रहा हूँ, तो फिर क्या है कि उसमें चेंज ला दिया जाएगा, उसमें सेंस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि सन 2008 एक फिक्स डेट होगी। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके ऊपर हम सेंटेंस बना करके देखते हैं। जैसे कि हम दोपहर से
बाजार जा रहे हैं। तो हम दोपहर से बाजार जा रहे हैं, तो हम की क्या आएगी? वी। अब वी के साथ में वी क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ हैज या हैव का इस्तेमाल हम देखेंगे किसका होगा, तो हम प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो वी हैव। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, बी हैव के बाद में हम बीन भी लगाते हैं, बी हैव बीन। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, और साथ में आई एन जी आता है। बी हैव बीन गोइंग, बी हैव बीन गोइंग कहाँ? टू मार्केट, बाजार। बी हैव बीन गोइंग टू मार्केट, अच्छा कब से? दोपहर से, सिंस आफ्टरनून या सिंस नून, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो हम दोपहर से बाजार जा रहे हैं, वी हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस आफ्टरनून। जैसे कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, तो होगा आई हैव बीन ईटिंग फूड सुबह से, तो क्या आएगा? सिंस आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। या जैसे कि वह खेल रहा, वह दोपहर सुबह से खेल रहा है, तो वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही, अब सिंगुलर है तो उसके साथ हैज यूज होगा, ही हैज बीन प्लेइंग 2 घंटे से खेल रहा है फॉर 2 आवर्स। तो अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फॉर, निश्चित समय के लिए लगाते हैं हम सिंस। अनिश्चित समय होता है जैसे कि 2 घंटे पहले, 4 घंटे बाद, 10 साल पहले, 5 साल बाद, 2 महीने पहले, पिछले महीने, अगले महीने, इस तरह की चीजों के लिए हम फॉर लगाते हैं, बाकी सभी जगह पे हम सेंस लगाते हैं। तो ये होता है सेंस और फॉर का खेल, निश्चित समय के लिए सेंस, अनिश्चित के लिए फॉर। और इसका सेंटेंस में सिंगुलर के साथ में हम इस्तेमाल करते हैं हैज बीन, और प्लूरल के साथ में करते हैं हैव बीन। अब देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल पर आगे बढ़ेंगे, तो शायद आप लोगों को याद हो नेगेटिव के हमने रूल में कुछ आपको बताया था कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस का रूल लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ जाता है, बस इतना ही बदलाव होता है। तो इसका रूल सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, अच्छा यहां पे हैज या हैव, और फिर आता है नॉट। हैव बीन और हैज बीन के बीच में नॉट आता हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। जैसे कि मैं सुबह से खाना नहीं खा रहा हूं, तो क्या आएगा? मैं सुबह से खाना नहीं खा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन, मैं सुबह से खाना नहीं खा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर ये आपका सेंटेंस हो गया कि मैं सुबह से खाना नहीं खा रहा हूं। तो इसमें बस इतना अंतर आता है, सब्जेक्ट उसके बाद में हैज या हैव, फिर आता है नॉट, फिर आता है बीन। तो हैज या हैव के बीच, हैज या हैव बीन के बीच में आता है आपका नॉट। इस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं नेगेटिव का, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखेंगे इंटरोगेटिव की ओर। अच्छा, इंटरोगेटिव में हमने आपको बताया था इंटरोगेटिव के लिए रूल रहता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसे शुरुआत में ले आते हैं और बाकी सारी की सारी चीजें सेम टू सेम रहती हैं। तो इसमें क्या होगा? हैज या हैव शुरुआत में ले लेंगे, हैज या हैव प्लस बाकी चीजें सब सेम रहेंगी, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। तो जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है टाइप फर्स्ट वाला, टाइप फर्स्ट से मतलब है जब क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाए, जैसे क्या क्यों कैसे स्टार्ट में आ जाए, जैसे क्या वह खाना, क्या वह सुबह से खाना खा रहा है, इस तरीके से अगर क्या क्यों कैसे शुरुआत में आ जाए तब वो होता है हमारा फर्स्ट टाइप। तो इसके लिए रूल होता हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। जैसे कि क्या वह सुबह से खेल रही है, क्या वह सुबह से खेल रही है,
तो क्या देखिए शुरुआत में आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा, हैज या हैव से शुरू होगा। तो हैज या हैव में देखिए यहाँ पे क्या है, हैज सिंगुलर है तो आएगा हमारा हैज, हैज। अब लड़की है तो आएगा शी, हैज सी बीन आता है, हैज या हैव तो आ गया हैज। सब्जेक्ट क्या है, वह यानी शी, और फिर बीन, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्ले, और साथ में आई एन जी, ही हैज बीन प्लेइंग, शी हैज सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खेल रही है, तो आएगा हैज सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से आता है। अगर क्या क्यों कैसे शुरुआत में आ जाए, क्या क्यों कैसे शुरुआत में आ जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हैज या हैव को पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए आई एन जी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एन जी नहीं आएगी, इसका मतलब है कि आई एन जी इसमें भी आई, कंटिन्यूस में सभी में आई एन जी आती है। उसके बाद में हम देखेंगे इसका सेकंड टाइप, इसका सेकंड टाइप होता है हमारा जिसमें क्या क्यों कैसे बीच में है, जैसे कि वह सुबह से क्यों खेल रही है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड को शुरुआत में लिख देते हैं, जैसे कि वह सुबह से क्यों खेल रही है, तो इस कंडीशन में जो क्यों की इंग्लिश है, क्यों जो आया है बीच में, उसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे, वाय, वह सुबह से क्यों खेल रही है, बाय, और बाकी सारा सारा सेंटेंस सेम रहता है, बाय हैज शी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सेम रहेगा। तो अगर जो टाइप सेकंड होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या क्यों कैसे बीच में आ जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम कि पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देते हैं, बाकी सारा का सारा फर्स्ट टाइप के हिसाब से सेम आपका सेंटेंस बना देते हैं। फिर आता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए हमने ये रूल बताया था कि आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस इंटरोगेटिव की तरह फॉर्म करना है, और उसमें बस क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद में नॉट पुट कर देना है, सिर्फ नॉट लगा देना है, उससे आपका पूरा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि क्या वह सुबह से नहीं खेल रही थी, तो आएगा हैज सी, अब सब्जेक्ट क्या है, सी, इसी के बाद में आएगा नॉट, हैज सी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जैसे कि वह सुबह से क्यों नहीं खेल रही थी, तो why has she not been playing since morning, इस तरीके से आता है। अब हम एक और सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि वे पेड़ से, वे दोपहर से सो रहे हैं, वे दोपहर से सो रहे हैं, तो वे की होगी दे, they have been sleeping for since morning, आपका afternoon, वे दोपहर से सो रहे हैं। अब वे दोपहर से नहीं सो रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। तीसरा आता है, क्या वे दोपहर से सो रहे हैं, तो क्या शुरुआत में आ गया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी, हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। फिर आता है, वे दोपहर से क्यों नहीं सो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं, इस बार बाय पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड बीच में, वे दोपहर से क्यों सो रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं, क्यों सो रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाएगा, व्हाई हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। जैसे कि अब आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव का लास्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव, कि वे दोपहर से क्यों नहीं सो रहे हैं, तो आएगा व्हाई हैव दे नॉट, और फिर आएगा बीन स्लीपिंग सिंस आपका आफ्टरनून। तो इस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, आप बस नॉर्मल से रूल याद रखिए, अच्छी तरह से करिए ना।